हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमावत्स क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इससे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग किया, अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सभी सेंटेंसेस किए हमने। आज करेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसके साथ साथ देखेंगे कि क्या है प्रिंसिपल क्लोज, क्या है सबॉर्डिनेट क्लोज, साथ में क्या है एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज, ये सारा आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक कर दें अगर अच्छी लगे तो, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर काफ़ी इजी लैंग्वेज में और कंप्लीट आपको करवाई जा रही है। साथ में जो है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी की भी वीडियोज़ हैं 20 अबव, और साथ में हिस्ट्री सीरीज़ भी और NCERT सीरीज़ भी अब दोबारा से जो है कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस देखेंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस हमने पहले भी किया था, लेकिन यहाँ हम देखेंगे एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लोजेज। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें केवल विच कंटेंस ओनली वन प्रिंसिपल क्लोज विद फाइनाइट वर्ब, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। As you can see, in spite of his poverty, he is trustworthy. Beside being beautiful, she is intelligent. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल एक ही प्रिंसिपल क्लोज है, और प्रिंसिपल क्लोज मीन्स फ्री क्लोज, मीन्स वो किसी पर आश्रित नहीं होता, उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे, अगर आपको जो है याद नहीं है या फिर कंफ्यूजन है कुछ, तो एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। सी कंपाउंड सेंटेंस कंटेंस टू प्रिंसिपल क्लोजेस जॉइंड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो प्रिंसिपल क्लोज होते हैं इसमें जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, एंड और एज वेल एज येट एक्सेट्रा, जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है। यहाँ कोई भी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस पर जो है निर्भर नहीं होता, दोनों जो है फ्री होते हैं एक दूसरे से। एज ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ देखिए ही इज़ पुअर ये एक क्लोज है, और साथ में ही इज़ ऑनेस्ट ये भी एक क्लोज है, दोनों प्रिंसिपल क्लोज है और उनको येट से जोड़ दिया गया है, येट से। तो दो क्लोजेज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। यूँ का यूँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है एस्टेट में भी और काफ़ी टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी, साथ में और भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो बेसिक ग्रामर है वो क्लियर होनी ज़रूरी है, तो ध्यान से देखें। उसके बाद है द सन रोज एंड द फोक डिसअपियर्ड। द सन रोज ये एक हमारा सेपरेट क्लोज हो गया, द फोक डिसअपियर्ड ये एक सेपरेट क्लोज हो गया, और इसको जोड़ दिया गया है एंड से, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मेन बात ये है कि आपको बस ये ध्यान रखना है, जहाँ दो प्रिंसिपल क्लोज हैं वो जो है कंपाउंड सेंटेंस है, और जहाँ पर एक क्लोज दूसरे क्लोज पर आश्रित है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वन प्रिंसिपल क्लोज विद सबॉर्डिनेटिंग क्लोजेज, और दिस सबॉर्डिनेट क्लोजिंग क्लोजेज कैन बी वन और मोर देन वन, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एज अनलेस यू वर्क रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यहाँ अनलेस यू रन फास्ट ये जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई शैल नॉट कम टू द ऑफिस एज आई एम नॉट वेल, एज आई एम नॉट वेल ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज है। ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इसमें सबॉर्डिनेट जो क्लोज होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एक तो एडवर्ब क्लोज, एक एडजेक्टिव क्लोज और एक नाउन क्लोज, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो साथ साथ हम एक बार क्लोज भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सेंटेंसेस अच्छे तरीके से। क्लोज क्या होता है? देखिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड इट्स हैज़ इज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लोज जो है वो पार्ट्स होता है किसी भी एक सेंटेंस का, और इसका एक अपना प्रेडिकेट होता है, एक अपना सब्जेक्ट होता है। और क्लोज जो है प्रिंसिपल क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज दो तरीके के होते हैं। प्रिंसिपल क्लोज वो फ्री होता है किसी भी अन्य सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस पर वो आश्रित नहीं होता, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर। और सबॉर्डिनेट क्लोज जो है वो प्रिंसिपल क्लोज पर आश्रित होता है, जैसा कि नाम से इसके पता लग रहा है।
जो सबॉर्डिनेट क्लोज है उसमें एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज होते हैं, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई बार। सेंटेंस दे देते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेंटेंस एडवर्ब क्लोज है, कौन सा सेंटेंस जो है वो नाउन क्लोज है, और कौन सा सेंटेंस जो है एडजेक्टिव क्लोज है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी जो है इजी वे है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले एडवर्ब क्लोज है क्या, एन एडवर्ब क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, एंड डज द वर्ड ऑफ एन एडवर्ब सॉरी डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब क्लोज जो है वो ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना जो है प्रेडिकेट होता है, और इसका जो ये कार्य करता है वो एक एडवर्ब का कार्य करता है। लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वर्क लिख दिया, वर्ड लिख दिया मैंने वर्क की बजाय, सॉरी। थोड़ा सा जो है पेपर और पेन से मैं करवा रही हूँ, तो ये आप प्लीज़ फील ना करें कि आप पेपर और पेन से जो है कैसे वीडियो के कंटेंट को देखें, केवल उसके जो है ऊपरी जो दिखावा है उसको ना देखें, कंटेंट को देखें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि बेसिक ग्रामर इससे अच्छी जो है और लोग भी करवा रहे हैं, लेकिन अगर एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। उसके बाद है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ये जो है मैंने सारे जितने भी एडवर्ब होते हैं वो सारे लिख दिए हैं यहाँ पर, कौन कौन से क्लोज होते हैं। जैसे आपने एडवर्ब भी पढ़ा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पज़ सब होता है, तो ऐसे ही एडवर्ब ऑफ क्लोज, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज, ये अलग अलग तरीके के एडवर्ब क्लोज होते हैं। और इन सब को जब आप सेंटेंसेस को देखते हैं तो आप इन जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग आपको, इनका एक तरीके से आंसर आपको मिलता है एज व्हेन, जब टाइम की बात हो तो व्हेन, समय की बात हो वेयर, वेयर एज, और पर्पज की बात हो डैट, उसके बाद रीज़न, बिकॉज, एज, सिंस, इफ, वेदर, डैट। ज़्यादातर जो सबॉर्डिनेट क्लोज होते हैं वो इन्हीं वर्ड से शुरू होते हैं, तो पहचानने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं फिर अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, देखिए, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर जो है वो वेयर एवर यू लाइक, यहाँ पर ये पूरा एडवर्ब क्लोज बन रहा है। व्हेन आई वाज यंगर आई थॉट सो, तो व्हेन आई वाज यंगर ये है एडवर्ब क्लोज। अब देखेंगे नाउन क्लोज क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड इट डज वर्क ऑफ अ नाउन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ये तो लाइन हर एक के साथ जोड़ी दो, और इसमें साथ में अगर एडवर्ब की बात है तो डज एडवर्ब वर्क ऑफ एडवर्ब, नाउन की बात है तो डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और अगर एडजेक्टिव की बात है तो डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। जब बात है एडवर्ब की तो व्हेन, वेयर, व्हाई इसका जो है आंसर देता है एडवर्ब, और जब बात है नाउन की वाई का आंसर देता है, वेयर का आंसर देता है, और जब बात है नाउन की तो व्हाट का आंसर जब हमें मिलता है तो वहाँ पर नाउन क्लोज होगा, आप पहचान सकते हैं। उसके बाद अगर एडजेक्टिव की बात है तो विच का आंसर आपको मिल जाएगा। आप जो है क्लोज से पहले व्हाट लगाएंगे तो आपको जो नेक्स्ट जो उसका पार्ट होगा वो उसका आंसर होगा, तो नाउन क्लोज होगा। देखिए, आई एक्सपेक्ट डैट आई शैल गेट अ प्राइज, तो हम पूछते हैं व्हाट आई एक्सेप्ट, तो इसका मतलब है जो है व्हाट आई एक्सपेक्ट, इसका आंसर हो रहा है पूरा का पूरा नेक्स्ट जो क्लोज है आई शैल गेट अ प्राइज, तो ये हमारा नाउन क्लोज है। ऐसे ही व्हाट आई फियर डैट आई शैल फेल, तो आई शैल फेल जो है ये है हमारा नाउन क्लोज। ऐसे ही एडजेक्टिव क्लोज की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है जो क्लोज है वो डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव और इट विल गिव द आंसर ऑफ विच, एज यू कैन सी द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। यहाँ आपसे पूछा जाए विच अम्ब्रेला, तो विच अम्ब्रेला हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, तो ये है हमारा एडजेक्टिव क्लोज। इट हैज़ अ लॉन्ग लेन दैट हैज़ नो टर्निंग, तो यहाँ पर जो डैट हैज़ नो टर्निंग ये लेन को कर रहा आइडेंटिफाई, तो यहाँ पर ये जो है हमारा एडजेक्टिव क्लोज है। तो ये थे क्लोज और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है
फॉर्मेशन के बेस पर हमने देखे। अगर आपको समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और शेयर कर दे वीडियो को आगे। थैंक यू वेरी मच।